नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सीखे ज्ञानकारी YouTube चैनल पर। पूर्व से चल रही अपनी वैज्ञानिक उपकरण की श्रृंखला के दूसरे भाग में आज हम जानेंगे बी के नाम से वैज्ञानिक उपकरण। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और बी के नाम से उपकरण जानते हैं। पहला उपकरण है बैरोग्राफ। अभी बैरोग्राफ क्या काम आता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने वाला यंत्र। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करता है। ये उस चीज को मापता नहीं है, जो परिवर्तन होता है उसे अंकित करता जाता है और एक ग्राफ का पेज होता है, जिसे बैरोग्राफ कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक बेलन दिखाई दे रही है जिसपे कागज लिपटा है। दूसरी ओर आप एक छोटा सा मीटर देख पा रहे हैं जिसमें सुई लगी हुई है, अलग अलग नाम अंकित है उस पे। ये जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर को देख पा रहे होंगे आप, उसमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। इसमें एक सुई लगी हुई है, सुई में ऊपर अलग अलग नाम है अलग अलग मौसमों के। सुई को आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप गोले के अंदर देख पा रहे होंगे, मैंने अंकित की हुई है। अब इसमें अलग अलग नाम होते हैं, वो क्या होते हैं? पहला स्टॉर्मी मतलब तूफानी, रेन का मतलब बारिश, और चेंज मतलब यहाँ से दोनों तरफ बदलाव होता है, वो यहाँ पे सुई रहती है। फेयर का मतलब मौसम साफ रहता है, और वेरी डे का मतलब है सबसे अच्छा दिन, तो एक शानदार दिन होता है। नज़दीक से देख पा रहे होंगे बैरोग्राफ में एक कागज़ लगा हुआ है जिसे बैरोग्राफ कागज़ कहते हैं, और ऊपर की तरफ एक लेखनी लगी है जिसे पेन आम कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे अगले चित्र में कि एक छोटा सा कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा आपको। इस कैप्सूल को एनेरॉइड कैप्सूल कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन ऑयल भरा रहता है, एनेरॉइड कैप्सूल, और इसके द्वारा ये जो पेन आम है वो नियंत्रित होती है, और कागज जो लगा हुआ पैराग्राफ कागज है उस पर ये नाम अंकित करती जाती है। और ये कागज 7 दिन में एक पूरा राउंड होने के बाद 7 दिन में इसमें कागज की सीमा पूरी हो जाती है। उसमें जो आप लेखनी देख पा रहे होंगे, उस लेखनी के द्वारा इसको 7 दिन में पूरा भर दिया जाता है, और 7 दिन में जो भी परिवर्तन आता है उसको एक ग्राफ के ऊपर दिखाया जाता है, और ये फाइबर निप वाली लेखनी के द्वारा अंकित होता है। जो भी वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आता है वो एक मानचित्र के ऊपर बन जाता है, अपना ऑटोमेटिकली बन जाता है। और ये जो खाली कागज है, ये खाली कागज ये बैरोग्राफ कागज कहलाता है, बैरोग्राफ पेपर कहलाता है। अब देखिए आप बैरोग्राफ की 3D इमेज। बैरोग्राफ के पश्चात अब दूसरा देखते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करता है, जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कैसा दिखाई देता है। आजकल तो आधुनिक भी आ गए हैं जिसमें सब पॉइंट टू पॉइंट अपने को मापा जा सकता है, छोटे से छोटे पॉइंट को भी, और परंपरागत तो खैर अपने पास है ही। अब देखते हैं तीसरा है बाइनोकुलर्स। अब ये बाइनोकुलर्स क्या है? बाइनोकुलर्स और कुछ नहीं, वस्तुओं को आवर्धित करके, दूर स्थित वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा करके दिखाने के लिए जो दोनों नेत्रों पर जो दूरदर्शी लगाई जाती है ना, दूरबीन, द्विनेत्री दूरबीन, उसे अंग्रेजी में बाइनोकुलर्स कहते हैं। द्विनेत्री दूरदर्शी को बाइनोकुलर्स कहते हैं, अर्थात दोनों आंखों पे, जिसमें एक आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं रहती अपने को। जबकि जो एक आंख
पे लगाते हैं और एक आंख बंद करनी पड़ती है उसमें, उसे बाइनोकुलर्स नहीं कहते हैं, जिससे साधारण भाषा में तो हम दूर भी नहीं कहते हैं, लेकिन उसे अंग्रेजी की भाषा में मोनोकुलर्स भी कहते हैं, एक नेत्र की दूरबीन जिसमें एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो बाइनोकुलर्स क्या है और मोनोकुलर्स क्या है, इन दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। बाइनोकुलर्स द्विनेत्री दूरदर्शी हैं, जबकि मोनोकुलर्स एक नेत्री दूरदर्शी है। और अब जानेंगे आज के अंतिम उपकरण को, और वो है बोलोमीटर। क्या होता है बोलोमीटर ये जानते हैं। बोलोमीटर मित्रों ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। ये ऊष्मीय विकिरणों का अध्ययन करने के लिए, ऊष्मीय विकिरणों की स्टडी करने के लिए काम आता है। असल में बोलोमीटर दिखाई कैसा देता है आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि चार तार लगे होते हैं, जिसमें दो प्रतिरोध तार होते हैं और दो अन्य तार लगे होते हैं। इस प्रकार दो प्रतिरोध तारों और दो अन्य तारों में जो चार तार जुड़े होते हैं, चार तारों के समूह को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है इसको भी आपको समझना हो तो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, या नेट पे सर्च करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इतना समझिए केवल ये ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है, ऊष्मीय विकिरणों को पढ़ने का यंत्र है, यानी ऊष्मीय विकिरणें ज्ञात करने का यंत्र, उसकी तीव्रता उसकी संख्या कह सकते हैं, उनको अच्छे से स्टडी करता है। अब थोड़ा सा व्हीटस्टोन सेतु को जानते हैं। और आप यदि इसकी आंतरिक संरचना को किंचित बरसना चाहते हैं, हालांकि वो प्रतियोगी परीक्षा में आंतरिक संरचना संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो मोटे तौर पर पूछते हैं बोलोमीटर क्या है, फिर भी थोड़ा सा जानना लाजमी है। R1 R2 दो प्रतिरोध तार लगे हैं ऊपर, इस तरफ एक पीले रंग में आप त्रिभुज जैसा आकार में देख सकते हैं, उसको डायोड कहते हैं। और सी लिखाएं C1 ये कैपेसिटेंस होता है, अर्थात धारिता होती है। एल प्रेरकत्व हैं, और नीचे की तरफ दो तार लगे होते हैं R3 और RT लिखे हैं, वो भी प्रतिरोध तार हैं। इस तरफ माइक्रोवेव पावर इनपुट जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके आंतरिक संरचना होती है, थोड़ी सी समझना जरूरी है। चलिए मित्रों एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। पहला बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ पर अंकित करने वाला यंत्र। दूसरा है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करता है, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। तीसरा है बाइनोकुलर्स, वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र। और चौथा है बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण नापने वाला यंत्र। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा करके दिखाता है, और बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापता है। बस ये चार चीजें थी, आज चार ही जानेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के और वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसी प्रकार के अन्य वीडियोज बनाएं। क्योंकि मित्रों क्या है कि यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो वीडियोज बनाने की हिम्मत नहीं रहेंगी हमें।